नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन कब है और शुभ मुहूर्त क्या है राखी बांधने का। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। रक्षाबंधन कब है, किस दिन राखी बंधवाना और बांधना शुभ होगा, यह सवाल इस बार सभी लोगों के मन में आ रहा है। दरअसल इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाने की परंपरा है और इस बार सावन पूर्णिमा दो दिन है। इनमें पहले दिन भद्रा भी लग रहा है, जिसमें राखी का त्यौहार मनाना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार को भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। अब की बार रक्षाबंधन के दिन रवि नामक योग भी पड़ रहा है, जिसमें इस दिन का महत्व भी बढ़ गया है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योगों के प्रभावों को नष्ट करने वाला बताया गया है। इस योग में राखी बांधने से रिश्तों को बुरी नज़र नहीं लगती है और रिश्ता और भी गहरा और मजबूत बनता है। आइए जानते हैं राखी बांधने का मुहूर्त और समय। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक रहेगी। लेकिन सावन पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा भी लग रहा है, जो 11 अगस्त को रात 8:35 तक रहेगी। शास्त्रों का मत है कि भद्रा काल में राखी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। बहुत ज़रूरी होने पर भद्र पुच्छ के समय राखी का त्यौहार मना सकते हैं। ऐसे में अगले दिन यानी 12 जुलाई को भद्रा भी नहीं रहेगा और उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन पूर्णिमा तिथि का मान रहेगा। इसलिए 12 जुलाई को राखी का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसमें बहनों भाई को दीर्घायु का आशीर्वाद देंगी तो यह अधिक फलदायी होगा। 2 बजे के बाद इस दिन सौभाग्य योग लग जाएगा। इस दिन सुबह से रवि योग भी उपस्थित रहेगा, इसलिए 12 जुलाई को रक्षाबंधन का पर्व मनाना सभी तरह से मंगलकारी रहेगा। चलिए जानते हैं राखी बांधने की शास्त्रीय विधि क्या है। राखी बंधवाने के लिए भाई को हमेशा पूर्व दिशा और बहन को पश्चिम दिशा की ओर मुख करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। राखी बंधवाते समय भाइयों के सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। बहन भाई की दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे और फिर चंदन व रोली का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत के छींटे भी दें। इसके बाद दीपक से आरती उतार कर बहन और भाई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। भाई वस्त्र आभूषण धन या कुछ उपहार देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। ये थी जानकारी कि रक्षाबंधन इस बार कौन से दिन मनाएं और उसकी विधि क्या है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।